हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हो सकता है ना कि आपने कभी देखा होगा कोई ऐसी ईमेल आईडी जिसमें पहले नाम होता है, फिर @ या फिर उनका टाइटल और .com ऐसे करके। जैसे कि एक एग्जांपल है hi@raju.com या फिर hi@santosh.com या फिर hello@santosh.com, ऐसे करके आपने बहुत सारे मतलब ईमेल एड्रेसेस देखे होंगे। तो आपका भी मन क्या होगा कि काश हमारा भी ऐसा ईमेल एड्रेस होता। और क्या है ना कि मतलब कुछ दिन पहले मुझे भी लगता था कि मेरा भी ईमेल एड्रेस ऐसा होता। मतलब आप खुद के नाम का ईमेल एड्रेस कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, हम आपको आज वो बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, जिस ईमेल की हम बातें कर रहे हैं उस ईमेल को बोलते हैं प्रोफेशनल ईमेल। और वो ईमेल तभी क्रिएट होता है जब आपके पास कोई वेबसाइट हो। और वेबसाइट आपको कैसे मिलता है? तो वो मिलता है आपको godaddy.com या hostinger.com करके। बहुत सारी वेबसाइट है जो मतलब डोमेन नेम को सेल करती है। जैसे कि डोमेन नेम ये होता है जैसे कि hello.com, तो उसमें जो हेलो है ना वो डोमेन नेम हुआ और .com जो है वो एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, अगर आपका नाम जैसे संतोष है तो santosh.com, तो संतोष हुआ डोमेन नेम और .com उसका एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन में .net, .org, .in या .co.in, मतलब कुछ भी आ सकता है, आप जो भी लगाना चाहें। लेकिन जो डोमेन नेम होता है जो आप चूज करते हो। ओके, अब डोमेन जो लेते हैं हम लोग, तो डोमेन का दाम ऐसे .com का लोगे आप तो 500-600 पड़ेगा, .net का, .org का लोगे तो 800-900 पड़ेगा, और .in का अगर लोगे तो वो आपको 150 में भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब डोमेन का दाम ज्यादा काफी नहीं होता है। अब बात रही ईमेल बनाने की, तो ईमेल तभी बनता है, आप जैसे कि गूगल से भी ईमेल बना सकते हैं उसी चीज का, मतलब अपने डोमेन को लिंक करके गूगल का बिजनेस ईमेल बना सकते हैं। लेकिन गूगल का जो बिजनेस ईमेल होता है वो देता है आपको सिर्फ 1 मंथ की वैलिडिटी। जैसे कि अगर गूगल के थ्रू आप ईमेल बनाएंगे तो आपका ईमेल ऐसे होगा, जैसे कि आपका नाम santosh.com करके वेबसाइट है, मतलब डोमेन नेम, तो वहां पे आपने कोई भी ईमेल बनाई जैसे hello@santosh.com, तो ये वाला जो ईमेल एड्रेस होता है ना इसे आप डायरेक्टली गूगल के प्ले स्टोर तक में भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर गूगल के जीमेल में भी लॉगिन कर सकते हैं। रीजन ये है कि इसका 143 रुपए इसका मंथली चार्ज लगता है। 1 मंथ ये फ्री रहता है और दूसरे मंथ से चार्ज लगने लगता है। अब अगर बात करें वेब सर्वर की, अगर मान लीजिए कोई होस्टिंग लेते हैं, तो होस्टिंग उसे कहते हैं जैसे कि कोई भी वर्चुअल डाटा जो वेबसाइट पे होती है, चाहे मूवीज हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो, तो उसे स्टोर करने के लिए भी एक कंप्यूटर की जरूरत होती है और एक मेमोरी की। तो जिस मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं वर्चुअल डाटा, वर्चुअल डाटा मतलब वो डाटा जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, और जिसे मतलब हम एक दूसरे जगह से ले जा नहीं सकते, मतलब खुद के पास के कंपोनेंट से, तो ये वर्चुअली होता है जिसे हम डाउनलोड करेंगे नेट के थ्रू। ठीक है, तो वैसे डाटा को वर्चुअल डाटा कहते हैं, और वर्चुअल जो स्टोरेज होता है वो होस्टिंग कहते हैं, या फिर डेडिकेटेड होस्टिंग या सर्वर कुछ भी कहें, मतलब सब एक ही होता है मिला जुला कर। तो वैसे चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसके लिए सर्वर खरीदना पड़ता है। ठीक है, सर्वर में cPanel होता है। cPanel ऐसे होता है ना जैसे कि सर्वर हुआ एक खाली प्लॉट, मतलब एक मेमोरी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, जिसमें सर्वर भी होते हैं ना जैसे 2 GB रैम वाला या 512 GB हार्ड डिस्क वाला ऐसे करके, और उसकी जो स्टोरेज टाइप होती है वो भी होती है HDD और SSD, मतलब बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, और वो कंप्यूटर वर्चुअल होता है, और वर्चुअल कंप्यूटर को हम लोग सर्वर के नाम से जानते हैं या फिर होस्टिंग के नाम से। तो जब हम वो खरीदते हैं तो उसका ऐसे मंथली चार्ज ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर्स हैं तो ले रहे हो तो आपको 80-90 रुपये महीना करके से मिल जाता है, मतलब सस्ती बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको सस्ते में डोमेन प्रोवाइड या होस्टिंग भी प्रोवाइड कराती है। कुछ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग जब सर्वर खरीदेंगे तो सर्वर खरीदने के बाद वहां पे खुद ऑप्शन रहता है कि आप मेल कैसे बनाएं, तो उसे हम बोलते हैं वेब मेल। अब वो वेब मेल गूगल में ओपन नहीं होती, जैसे अगर आपकी ईमेल एड्रेस है hi@santosh.com, तो ये गूगल में ओपन नहीं होगी। इसके लिए आपका जो डोमेन नेम है संतोष और जो एक्सटेंशन है .com, तो santosh.com लिखने के बाद स्लैश देके वहां पे लिखेंगे वेब मेल। ऐसा लिखने से आपका एक मतलब विंडो खुलेगा, वहां पे आप अपने ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और पासवर्ड डाल सकते हैं, फिर उसके बाद लॉगिन किया जाता है। और ये जो ईमेल आईडी बनता है तो वो cPanel में बनता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप कोई डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं या फिर आपको जो भी सपना था कि मतलब ऐसा हमारा ईमेल हो जिसमें हमारा नाम भी हो .com हो, तो उसका यही पूरा प्रोसीजर था।
अगर आप भी ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी वेबसाइट बनाने में या फिर ईमेल आईडी सेटअप करने में बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सारी बात समझ में आ गई होगी, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।